हो सके तो अपने कमरे में गाय के गोबर का कंडा जला के थोड़ा घी या तो तेल उसका धुआं करो, जिससे ऊर्जा वायुमंडल हो। 10 बूंद डाल दोगे ना तो 1 टन हवा शक्तिशाली बनेगी। 1 किलो हम भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो श्वासोश्वास से ऊर्जा लेते। इसलिए वायु शुद्ध हो। अटैच लेटरिन बाथरूम स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, अगर फिर भी एग्जॉस्ट वेग्जॉस्ट का उपयोग करें और हवा शुद्ध रहे, और कभी कभार धूप करें। और घर में प्लास्टिक का टूटा टेबल, छत पे कुर्सी उठा के फेंक दो, टूटे बर्तन, टूटा फर्नीचर घर में अशुभ माना जाता है। और जो मटकी ऊपर रखी छत पे खाली नहीं, उसमें या तो मिट्टी भर दो या तो पानी भर दो, खाली मटके नहीं रखते। कैसा बाबा ऑडिट कर दिए, तोरण लगाया है, अब सूख गया तो हटा के फेंक दो, नौकर को बोलो सूखे हुए आसोपाल या तोरण जो लटक रहा है उसको उखाड़ के फेंक दो। माला माला जो भी घर में सूखी हुई चीज है, आसोपाल लगा दिया, कुछ लगा दिया, सूख गया उठा के फेंक दो, सूखा हुआ अशुभ माना जाता। और पूर्व दिशा में खड्डा है तो बस खूब आएगा, यह सफलता ही। और पश्चिम दिशा में खड्डा है तो गया सब, उत्तर दिशा में खड्डा है तो अच्छा है, दक्षिण दिशा में खड्डा है तो नुकसान। तो घर का ऐसा वास्तु होना चाहिए।